तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद में समुपस्थित पवित्र आत्माओं, जो जैसा है उसे वैसा ही मानकर बोलना, तदनुसार आचरण करना सत्य है। मन वचन कर्म की एकता का नाम सत्य है। अर्थात जो जैसा है वही मन में हो, जो जैसा है वही वाणी में हो, जो जैसा है वही आचरण में हो, ये सत्य व्यवहार अंदर बाहर से होना सत्य है। इस सत्य के द्वारा हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। महर्षि मनु जी कहते हैं, मनः सत्येन शुद्ध्यति। मन सत्य से पवित्र होता है। सत्य क्या है? जैसे कि हम कोई विद्या की बात सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं तो यह ज्ञान की प्रथम श्रेणी है। इसके पश्चात हम उसका मनन करते हैं, जो पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वह सही है या नहीं है। आर्य समाज में आने वाले सभी सनातनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, इसलिए वे मनन कर पाते हैं। जो हमारे नवीन सनातनी आर्य समाज मंदिरों से पृथक अन्य मंदिरों में जाते हैं, नवीन सनातनी का अर्थ है जो सनातन धर्म को नाम मात्र से अर्थात मानते ही हैं पर जानते नहीं हैं, वे अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। वहाँ पर वक्ता जो अवैदिक बातें असत्य बातें बोलते हैं उन्हें सुनकर सीधे मान लेते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं। लेकिन सनातनियों को सत्य से प्रेम होता है, इसीलिए आर्य समाज के संस्थापक सनातन धर्म के प्रवक्ता सत्य के दूत महर्षि दयानंद ने आर्य समाज का नियम बनाया है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस नियम के अनुसार सबसे पहली जो श्रेणी है हमारे ज्ञान की वह है श्रवण, सुनना। इस ज्ञान को और विकसित करना हो तो पढ़े हुए को सुने हुए को मनन करो। मनन करने पर अगर निश्चय हो जाए तो उसको निश्चय होने के बाद अपने व्यवहार में धारण कर लो, सत्याचार कर लो, और सत्याचरण करने के बाद जो उसका सुंदर फल प्राप्त हो उसका नाम है साक्षात्कार। ये श्रवण मनन निदिध्यासन से होते हुए साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान की जो स्थिति पहुंचती है उसका नाम है सत्य। अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा का नाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब है कि हमें सच्ची जानकारी हो गई है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या त्यक्तव्य है क्या ग्राह्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका बोध हो गया है।
अब हमारी आस्था कभी भी असत्य पर नहीं होती है, अब हमारी आस्था सत्य पर ही होती है। और जब हम सत्य पर ही आस्था करते हैं तो सत्य को धारण करने की इच्छा, सत्य को धारण करने के लिए की गई क्रिया, उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धालु बनने के लिए सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए, और सत्य की जिज्ञासा अगर हो गई और उसके बाद सत्य को जान लिया तो इतने मात्र से सत्य नहीं बनेगा, उसे आचरण में लाना पड़ेगा। और हम आचरण में तब ला सकते हैं जब आचरण में लाना अर्थात सत्य को उत्पन्न करना हमें आ जाए। क्या करना आ जाए? सत्य को उत्पन्न करना आ जाए। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े को उत्पन्न करता है, जैसे माताएं बहनें रसोई में आटे से रोटी को निर्मित करती हैं, जैसे परमात्मा मूल प्रकृति से सृष्टि को निर्मित करते हैं, ऐसे ही पवित्र आत्माओं हमारा कर्तव्य है कि हम सत्य को निर्मित करें। हम सत्य को जिस वस्तु से निर्मित करते हैं, वेद ने कहा वह वस्तु है तप। मंत्र आता है ऋतंच सत्यंचाभिधा तपसोध्य जायत। यह सत्य नामक वस्तु तप से उत्पन्न होती है। किससे? तप से उत्पन्न होती है। अगर आप साधारण तप करेंगे तो सत्य नहीं उत्पन्न होगा। अभिद्ध तप, परमात्मा कहते हैं कि अगर सत्य को उत्पन्न करना है तो अभिद्ध सब ओर से चमकता हुआ कठोर तप करो। जैसे उदाहरण के लिए हमारा कार्यक्रम बना है कि हम परमात्मा का प्रत्यक्ष करेंगे, इस स्थिति में हमें अपनी इंद्रियों के अशुद्ध प्रवाह को रोकना पड़ेगा। हम उसे रोकते हैं, कभी कभी नहीं भी रोकते हैं, कभी रोक लेते हैं कभी नहीं रोकते हैं। ये जो कभी रोकना है ये तप है, और कभी ना रोकना फंस जाना विषय में, ये क्या है? कठोर तप का अभाव है। अर्थात हमें अपनी इंद्रियों के गलत प्रवाह को रोकने के लिए जो निरंतर परिश्रम में लगना पड़ता है, प्रतिपल इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसका नाम क्या है? उग्र तप। क्या है? इस उग्र तप से परिणाम आएंगे, क्योंकि जब पुरुषार्थ किया जाता है तो परिणाम न आए ऐसा नहीं हो सकता है। क्या परिणाम आएगा? उग्र तप से तरंग पैदा होगी, शास्त्र कहता है। आप देखना, उग्र तप करके साधारण तप किया तो तरंग नहीं उठेगी। साधारण तप करने वाला मनुष्य विषय वासनाओं का संग्रह भी कर लेता है, और जो ज्ञान है ना उसको ढांपता भी है, रोकता भी है। अगर ज्ञान को ढांपोगे रोकोगे तो उग्र तप कहां हुआ, अरे तरंग कैसे पैदा होगी? इसलिए ऋषि दयानंद की तरह, श्री राम की तरह अपने जीवन को तपस्वी बनाकर अगर हम चले तो तरंग पैदा होगी आत्मा में। कहां पैदा होगी? आत्मा में। करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि शास्त्र में जो कहा है वह सत्य है। साक्षात्कार करके देखो शास्त्रों के कथन का। शास्त्र केवल उसी पुस्तक का नाम है जो पुस्तक हम पर शासन करने की योग्यता रखता है,
और हम पर शासन करने की योग्यता या तो ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों के ग्रंथ रखते हैं या परम शास्त्र परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद है, उसका शासन अगर हमारे जीवन पर चले, हम चलने दें, तो हम उग्र तप के धनी बन जाएंगे। इसके करने से आत्मा के अंदर जो तरंग उठेगी ना, वो कमाल करेगी। क्या करेगी? हमारे और हमारे लक्ष्य के मध्य में जो पाप का ढेर आ जाएगा, क्यों जी पाप का ढेर आ जाता है कि नहीं? कभी कभी हमसे कोई कहे आओ चलो नवीन सनातनी के मंदिर में जाना है, कहाँ जाना है? जाना चाहिए, सनातन धर्म को फैलाने के लिए जाना चाहिए। पर यदि कहे नहीं, नवीन सनातनी लोग वेद आदि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वे नाम मात्र के सनातनी हैं, वे तो मिश्रित व्यक्ति हैं, सत्य और असत्य का मिश्रण है उनकी विचारधारा में, ऐसे नवीन सनातनियों के यहाँ हमें आमंत्रण मिले और कोई कहे आओ चलो अमुक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसके बदले में आपको 10 लाख रुपए की दक्षिणा मिलेगी। कितने लाख रुपए? अब 10 लाख रुपए के प्रलोभन में अगर फंसते हैं हम, तो ये निश्चित है कि हम कठोर तपस्वी नहीं हैं। और अगर हम नहीं फंसते हैं, तो ये निश्चित है कि हम कठोर तपस्वी हैं। ऋषि दयानंद के सामने एक बार एक राजा आया और आकर के कहता है, हे महर्षि, आप सत्य का मंडन तो करो, लेकिन असत्य का खंडन करना बंद कर दो। तब दयानंद बोले, तुम यह नहीं जानते कि सत्यार्थ प्रकाश क्या होता है? अरे सत्य को स्थापित करना और इसके साथ साथ असत्य को हटाना, इन दोनों का समन्वय करना, इसका नाम बोलो क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्य को प्रतिपादित भी करना है, असत्य से लोगों को छुड़ाना भी है, तभी सत्यार्थ प्रकाश होगा, अन्यथा केवल मंडन से सत्यार्थ प्रकाश नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सत्य का मंडन ही करूं, असत्य का खंडन न करो, तो भला सत्य का सही मंडन कैसे होगा? सत्यार्थ प्रकाश तो तब होगा जब असत्य का, अरे अवैधिकता का, अरे सनातन धर्म के विरुद्ध प्रचलित रूढ़िवाद का मैं खंडन भी करूंगा, तभी होगा। तब दयानंद बोले, तुम क्या देना चाहते हो? राजा बोले, मेरा राज्य जिस मठ के अधीन है, उस मठ पर बहुत बड़ी संपत्ति है, प्रतिदिन की बहुत बड़ी आय है, मैं तुम्हें उस मठ का स्वामी बनाता हूं। जन्म जन्मांतर तक भी अगर कोई चाहे तो उसे भोग नहीं सकता है, अतुल ऐश्वर्य के स्वामी बनोगे। आहा, तब भगवान का भक्त दयानंद महान तपस्वी बोला, मैं भगवान की आज्ञा में रहकर, भगवान की अध्यक्षता में रहकर के कर्म करता हूं, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे देह पदार्थ को ग्रहण करके कभी सत्य का परित्याग नहीं करूंगा। बोलो, ये आत्मा में तरंग अगर न होती तो फंस गए होते कि नहीं फंस गए होते? आत्मा में तरंग पैदा हुई तो बोले, नहीं मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा तुम्हारा द्रव्य और मैं सत्यार्थ का प्रतिपादन करता रहूंगा। तब उस राजा ने सोचा, ये सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई मनुष्य है या और कोई है? किसी भी व्यक्ति को अगर मैं ये प्रलोभन देता तो वो फंस जाता। उन्होंने ऋषि दयानंद को अपने वाक्यों से झिझोड़ा और बोले, ए दयानंद, तुम जानते हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? इस समय तुम्हारे सामने धरती का सबसे बड़ा दानी खड़ा है,
सारी धरती पर भ्रमण कर जाना, पर तुम्हें दयानंद जैसा कोई दूसरा दानी नहीं मिलेगा। क्यों जी त्रिलोक जी? तब दयानंद भी नहले पर दहला मारते हुए बोले थे, ए दाता, अपने दान की सामग्री को लेकर देने के लिए सारी धरती पर घूम जाना और किसी को भी दे करके देखना, तुझे दयानंद के अतिरिक्त कोई दूसरा ठुकराने वाला नहीं मिलेगा। अरे बोलो, ये आत्मा में तरंग की सत्य के साथ समझौता करके द्रव्य को ग्रहण कर लो, इसके विपरीत जो आत्मा में तरंग पैदा हुई, ये तप के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए अगर हम अपनी इंद्रियों के गलत प्रवाह को रोक कर शुद्ध मार्ग पर, कल्याण मार्ग पर ले चलना चाहते हैं, अर्थात कल्याण मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं, तो हमें कठोर तप करना पड़ेगा। भगवान का नियम है, जो मनुष्य कठोर तप करता है भगवान के नियम के अनुसार, उसके आत्मा में तरंग पैदा होती है और वह तरंग उससे बड़े बड़े काम करा देती है। अरे रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पाप के ढेरों को बोलो धक्का लगा देती है और वह अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे मनुष्य के जीवन को देखना, उस मनुष्य के जीवन में सत्य ही होगा। कहां कहां होगा? मन में। जो जैसा होता है वैसा ही मन में होगा, जो जैसा होता है वही वाणी में होगा, जो जैसा होता है वैसा ही व्यवहार में होगा। अर्थात मन वचन कर्म तीनों में अलग अलग नहीं होगा। मन में कुछ, वाणी में कुछ, व्यवहार में कुछ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि सत्य की स्थापना मन में भी होगी, वाणी में भी होगी, अरे बोलो आचरण में भी होगी। ये मन वचन कर्म की सत्य के द्वारा एकता की स्थापना अगर आप करना चाहते हो, तो इसके लिए हमें तप करना पड़ेगा। तप के द्वारा आत्मा में तरंग उत्पन्न करके मन वचन कर्म की एकता का ही नाम, अरे बोलो क्या है? सत्य है। इस एकता का साक्षात्कार करके ऋषि दयानंद ने हमारे कल्याण के लिए कहा था, सत्य के ग्रहण करने। क्या कहा था? सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में कब सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। कभी भी किसी भी क्षण हम सत्य से विचलित न हो सके, इसके लिए हमें महान तपस्वी बनना होगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अगर सत्य को अपने जीवन में स्थापित कर लिया तो सारी क्रियाएं हमारी क्या हो जाएंगी? बोलो सफल होंगी कि नहीं होंगी? अगला यम का अंग है अस्तेय। क्या है जी? अस्तेय शब्द का अर्थ है दूसरे के द्रव्य को उसकी स्वीकृति के बिना ग्रहण कर लेना, चोरी कर लेना। ये क्या है? स्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या है? किसी पर द्रव्य को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण न करना, इसका नाम क्या है? अस्ते। इस अस्ते से मन पवित्र होता है। देखो ऋषि दयानंद जी महाराज एक बार क्षुधातुर थे, भूख से व्याकुल थे, कई दिनों से भोजन नहीं किया था। और जिसका शरीर बलवान हो उसे तो भूख और तीव्र लगती है, और वे भूख से व्याकुल हैं। एक कृषक के खेत के किनारे बैठे हैं, उस खेत में बैंगन लगे हुए हैं। बैंगन, मन में विचार था कि बैंगन का स्वामी आए तो मैं बैंगनों को खा करके अपनी क्षुधा को शांत करूं। वहीं बैठ गए खेत में। अगर तपस्वी ना होते, अगर साधारण मनुष्य होते,
अगर यम नियम का पालन करने वाले न होते तो किसान से पूछे बिना बैंगन को तोड़कर खाकर अपनी क्षुधा निवृत्त कर सकते थे। पर जानते थे तुझे तो भगवान का प्रत्यक्ष करना है, इसीलिए किसी पदार्थ को उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण, अरे बोलो, नहीं करूंगा। प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। शाम को कृषक आया, देखा कि मेरे खेत के किनारे पर एक साधु बैठा है। उस कृषक ने साधु को अभिवादन किया और बोले, स्वामी जी कैसे पदार्पण हुआ है, कब से यहां उपस्थित हो? बोले, प्रातः काल से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्षुधा शांत करना चाहता हूं आपके खेत में लंगे हुए बैंगनों से। स्वामी जी से कहा कृषक ने, यह खेत आप ही का तो है स्वामी जी, आप ग्रहण कर लेते तब दयानंद अहिंसा का अस्तेय का परिभाषण करते हुए बोले, किसी द्रव्य को उसके स्वामी की अनुमति के बिना ग्रहण करना स्तेय है, चोरी करना है। और मैं चोरी नहीं कर सकता था, चोरी का परित्याग करना यह धर्म है। और तब किसान ने बढ़िया से बैंगनों को तोड़ा और तोड़ करके स्वामी जी को दिया। स्वामी जी ने भरपेट खा करके अपनी क्षुधा को बोलो शांत किया। ये क्या है? अस्तेय का पालन। आप मन से, वचन से, कर्म से भगवान के हाथ बहुत बड़े हैं जी। आप मन से, वचन से, कर्म से अस्तेय का पालन तो कर लो। पालन करने वाले योगियों ने लिख दिया है, जरा शास्त्र में देखना क्या लिख दिया है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न उपस्थानम, अर्थात जो अस्तेय को सिद्ध कर लेता है उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार जो रत्न हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वह उपस्थित रहती हैं। अरे बोलो, उपस्थित है। पर यदि अस्तेय सिद्ध नहीं किया है तो नहीं मिलेंगी है। पहले सिद्धि करनी पड़ेगी, तब सिद्धि का फल मिलेगा। और सिद्धि क्या है? अस्तेय, चोरी का परित्याग कर लो, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं। आर्य समाज के महाधन योगीराज स्वामी आत्मानंद जी महाराज उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के गांव अंछाड़ में जन्मे, काशी में अध्ययन किया। उन्होंने गुरुकुल यमुना नगर की भी स्थापना की। आजकल जो पाकिस्तान है वहां पर रावलपिंडी में भी गुरुकुल कभी चलाया करते थे। एक बार स्वामी आत्मानंद जी महाराज, भगवान के भक्त, समाधिमान आत्मानंद जी को रोग हुआ। कुछ रोग जन्मजात भी होते हैं। और जब रुग्ण हुए तो आर्य समाज के बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे, मेरठ के निवासी पंडित इंद्र राज जी, उनका जन्म भी इंद्र राज जी के पिताजी का पुत्रेष्टि यज्ञ स्वामी आत्मानंद जी ने कराया था। किन्होंने? बोलो। और उस पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा, औषधियों के द्वारा, अरे ब्रह्मचर्य आदि के पालन के द्वारा इंद्र राज जी का जन्म ही नहीं हुआ, और भी ऐसा उन्होंने कराया। ऐसे स्वामी आत्मानंद जी महाराज जब रुग्ण हुए तो पंडित इंद्र राज जी बोले, स्वामी जी मेरे निवास पर चलो, मैं आपका उपचार भी करना चाहता हूं और आपकी सेवा भी करना चाहता हूं। स्वामी जी बार बार मना करते रहे। जब पंडित इंद्र राज जी नहीं माने तो उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? जिन्हें अस्तेय सिद्ध था, स्वामी आत्मानंद जी ने कहा। क्या कहा? मैं एक नियंत्रण के साथ जाऊंगा,
क्या नियंत्रण है, क्या शर्त है? बोले अगर तुम मेरे उपचार के लिए किसी से धन संग्रह न करो तो चलूं। पंडित इंद्रराज जी बोले कभी नहीं करूंगा, अपनी ओर से आपकी सेवा करूंगा, और चले गए। वो लिखते हैं, पंडित इंद्रराज जी लिखते हैं, मेरी स्वर्णकारिता की दुकान थी, स्वामी जी आए, दुकानदारी बढ़ गई। तभी से दुकानदारी बढ़ गई, धन का आना बढ़ गया। और जब वो स्वस्थ होकर के चले गए, आहा क्या हुआ पता नहीं, वो दुकानदारी फिर वहीं की वहीं रह गई जहां पहले थी। बोलो अस्ते सिद्ध होने के बाद आवश्यकता के अनुसार इस घटना से ही जान लो, सर्वरत्न सब आवश्यकताएं उपलब्ध परमात्मा के लंबे हाथों से होता है कि नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं सिद्धियां करो, सिद्धियां, अस्ते की सिद्धि करो, अहिंसा की सिद्धि करो, सत्य की सिद्धि करो। अगर ऐसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को जितना जितना सिद्ध करते चलोगे, उतना उतना सिद्धियों का फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सबको अभिवादन, नमस्ते।